हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 2 मैंने नोट कर रखा है, बोला गया फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके मुझे जीरोज फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना उनका रिलेशन, जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन भी वेरीफाई करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहले हम किसके करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आया 10x2। दो नंबर ऐसे सोचो, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो 10 कब आ सकता है, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, ये दो कंडीशन बनती है जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। अब प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7। तो चेक करा, या तो प्लस करो या माइनस करो उन्हीं दोनों नंबर को, कितना आना चाहिए 7। 10 और 1 11 नहीं आया, 10 में से 1 गया 9 नहीं आया, यानी फैक्टर ये नहीं होंगे। 5 और 2 7 आ गए, यानी फैक्टर कौन होंगे 5 और 2, चाहे प्लस करके लाओ चाहे माइनस करके लाओ, आना 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो 7 को मैं क्या लिख दूंगा, 5x + 2x + 10, यानी कि 7 को मैंने इस फॉर्मेशन में लिख दिया, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, दो थे एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, एक्स बाहर आ गया कितना बच गया 5, दोनों में डिवाइड जा रहा है 2 का, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये दोनों नंबर मेरे बिल्कुल सेम है, इन दोनों को एक साथ लिख देना है और x + 2 को एक साथ लिख देना है। ठीक है, इन दोनों में से ये दोनों और इन दोनों को एक साथ। अब ये कैसे हुआ, जैसे कि मान लो मेरी टर्म है, देखो ये कॉमन आ रहा है ना दोनों के अंदर, इसमें भी है, कुल मिला के कॉमन निकाला जाता है, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, तो इसकी जगह कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, अब इसके जीरोज मुझे निकालने हैं, जीरोज क्या होंगे, तो x + 5 = 0, प्लस का 5 उधर जाएगा इसको आ जाएगा माइनस का, x + 2 = 0, प्लस का 2 उधर जाएगा इसको आ जाएगा माइनस का, तो मेरा एक जीरोज ये हो गया, दूसरा जीरोज ये हो गया, दोनों जीरोज हो गए। अब इनके कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन भी बताना है। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्मेशन होती है ax² bx + c, जिसमें a की वैल्यू जो x² के साथ में होता है कितना 1, b की वैल्यू जो 7 के साथ में होती है, c की वैल्यू 10 हो गई। अब मेरा जो रूल होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है c/a के। ठीक है, सम ऑफ जीरो जो मेरे जीरोज हैं उनका सम, माइनस का 5 माइनस का 2 इक्वल b की वैल्यू 7 a की वैल्यू 1, दोनों माइनस के दोनों जुड़ गए, -7 -7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसके जो कोफिशिएंट और जीरोज उनके दोनों के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज कितने हैं -5 एंड -2, सी की वैल्यू कितनी है मेरी 10, ए की वैल्यू 1, -(-)+, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, तो ये होगी मेरी वेरिफिकेशन। जो ये वाला पार्ट होगा ये मेरी वेरिफिकेशन का होगा और ये इसके जीरोज का होगा। ठीक है, और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो पहले मैं एग्जांपल नंबर 3 को नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल 3 मुझे दे रखा है, बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सेम पीछे वाला एग्जांपल है, लेकिन इस बार इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है। मेरी जो फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c होती है। ठीक है, तो जिसमें देखो जो x² के साथ में होता है वो होता है a, इस बार x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी 0, c जो होता है कॉन्स्टेंट नंबर, कितना है मेरा -3। अब इस इक्वेशन की हमें करने हैं फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए हमारी फॉर्मेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में थी, इसमें नहीं है। अगर इक्वेशन ऐसी नहीं हो तो चेक करो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन भी नहीं आ रहा, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर मैंने अंडर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया,
स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। इसको इस फॉर्मूले में ओपन कर देंगे, ए की जगह एक्स है मेरा, बी की जगह अंडर रूट थ्री, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री, एक्स माइनस अंडर रूट थ्री, ये आ गया। अब मुझे निकालने जीरोज, ठीक है, तो एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस का एक्स उधर एक्स आ गया, माइनस का एक जीरो तो ये हो गया, दूसरा जीरोज इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस का है किसका आ जाएगा प्लस का, एक जीरो जी हो गया, दूसरा जीरो जी हो गया। अब इनकी करनी वेरिफिकेशन, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है मेरा सी बाई ए, सम ऑफ जीरोज माइनस का अंडर रूट थ्री प्लस का अंडर रूट थ्री माइनस का बी, बी मैंने शुरुआत में निकाल दिया था जीरो, ए ए की वैल्यू वन, ये माइनस का प्लस का कट गया, कितना है जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई मेरी राइट हैंड साइड के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, सी सी की वैल्यू मेरी कितनी है माइनस का थ्री, ए की वैल्यू वन, पावर एक पावर एक, पावर कितनी हुई दो, माइनस का माइनस बाहर रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कितना है माइनस का थ्री माइनस का थ्री, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये होगी मेरी वेरिफिकेशन यहाँ पे, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो मतलब मेरे जीरोज बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल टू और एग्जाम्पल थ्री समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।